नमस्कार, आपके साथ मैं विकास झा। इस टाइम मैं बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव में मौजूद हूँ और आज हमारे साथ हैं पंडित उमा शंकर मिश्रा, जो कि एक ज्योतिषाचार्य भी हैं। पंडित उमा शंकर मिश्रा कब से पूजा पाठ कराते आ रहे हैं यहाँ पर, और कहाँ से इन्होंने, किस गुरु से इन्होंने दीक्षा ग्रहण किया है, ये भी हम पंडित उमा शंकर मिश्रा से जानने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि अभी धनतेरस आने वाला है, उसको लेकर भी हम सारी जानकारी पंडित उमा शंकर मिश्रा से हम प्राप्त करेंगे, कैसे महालक्ष्मी की धनतेरस में पूजा करें। नमस्कार पंडित जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा पंडित जी, आपने दीक्षा कहाँ से ग्रहण किया? पंडित जी आपने? ओम नमो राघवाय। हमारे गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी हैं, उनसे दीक्षा ग्रहण किए हैं और उनकी अपार कृपा है गुरु भगवान की। और ज्योतिष का कार्य हमें 15-17 साल हो गया करते हुए। तो इस फील्ड में आप 17 साल से हैं जी। अच्छा पंडित जी, अभी धनतेरस आने वाला है, धनतेरस को लेकर किस भगवान की पूजा की जाती है और उसमें कई लोग सोना चांदी भी खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, उसकी क्या मान्यता है? जी, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके निकले थे। जब से धनतेरस मनाया जाता है और भगवान विष्णु के अवतार है धन्वंतरी जी, इस दिन भगवान विष्णु की पूजन करना चाहिए। इस दिन किया हुआ पूजा भगवान नारायण की, उसके घर में लक्ष्मी का निवास होता है। अगर इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजा नहीं होता तो लक्ष्मी कृपा नहीं रहती है। तो जिसको लक्ष्मी कृपा चाहिए, नारायण की जरूर पूजन करें और इस दिन सोना चांदी जरूर खरीदना चाहिए, तांबा खरीदना चाहिए और झाड़ू खरीदने का भी विधान है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। पंडित जी, मैंने कई लोगों को देखा, ये मतलब धनतेरस में कई लोग गोबर के दिए भी बनाते हैं, क्या वो भी शुभ माना जाता है? जी, लक्ष्मी जी का वास जो है गौ के गोबर में होता है। प्राचीन समय में एक कथा है जो है, उसमें गौ के अंग पर सभी देवी देवताओं का स्थान दिया गया तो लास्ट में लक्ष्मी जी रह गई, तो लक्ष्मी जी को जो है गौ के गोबर में ही स्थान दिया गया। हाँ जी, इसलिए गाय के गोबर में शुभ मानते हैं। अब तो सबके पक्के मकान हो गए हैं, नहीं पहले पूजा पाठ धर्म यज्ञ हवन होते थे तो वहाँ गाय के गोबर से लिपाई होती थी, चौका लगाते थे। तो पंडित जी, एक बार आप हमारे दर्शकों को आप महालक्ष्मी जी का कोई मंत्र बताएंगे? ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। ओम रीं महालक्ष्मी चा विद्धते सर्वशक्तै चा धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। ये महालक्ष्मी जी का मंत्र है, इसका जप करें और सुंदर कलश बना करके उसमें आम का पल्लो लगा करके स्वातिया रूली बना करके और लक्ष्मी जी के सामने रख के कमल पुष्प लक्ष्मी जी को बैठाएं और मन वचन कर्म से पूजन करें, लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बरसे की। बाबा तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, जब इच्छा कीन मन माही हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। जो आपके मन में इच्छा है भगवान के प्रसाद से कछ भी दुर्लभ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 इंडिया चैनल को, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप समाज में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, सच्चाई को पब्लिक में ला रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, धन्यवाद। जैसे कि पंडित उमा शंकर मिश्रा ने हमारे चैनल के जरिए ये सारी जानकारी दी, धनतेरस को लेकर भी इन्होंने ये सारी जानकारी दी। ऐसी तमाम खबरों को आप देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल टीवी।